Hello everyone, welcome to another interesting episode of How to Ace the Hackathon. Do you remember when we said that Smart India Hackathon is a platform which invites and brings the innovative minds from all across the corners of this vast country, India? Today we have one such participant from a beautiful city of Madhubani, Bihar, who was not only the winner of one but two editions of Smart India Hackathon. So let's welcome him and understand how this entire journey was. So without any further ado, Anurag, welcome to the show. Thank you, sir. कैसे हैं आप? सर बनिए. आप मैंने सुना आप मधुबनी बिहार से आते हैं, तो एनी विच वेज मधुबनी तो वैसे ही बहुत फेमस है उनकी पेंटिंग्स के लिए. अब आपने दो बार एडिशन SIH का जीत लिया, तो एनी विच वेज ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है आपके इलाके के लिए. तो अनुराग, मुझे एक बेसिक एक्सपीरियंस बताइए, कैसा रहा आपका स्मार्ट इंडिया हैकेथन का, कि आपने कहाँ से शुरुआत की, कैसे सुना स्मार्ट इंडिया हैकेथन के बारे में? जी सर, एक्चुअली हमारे कॉलेज में ये हैकेथन का कल्चर बहुत ज़्यादा अच्छा था. मेरा कॉलेज बीटेक है MIT मुजफ्फरपुर में, जो मुजफ्फरपुर में एक गवर्नमेंट कॉलेज है. तो मैं सेकेंड ईयर में था उस समय, तो मैंने देखा कि मेरे सीनियर्स लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो जीते थे वहाँ पर. तो उन्हें बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिला था, जैसे कि उन्हें स्टार्टअप के लिए मौका मिला, उनका प्रोजेक्ट पेटेंट हुआ. तो वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिला कि मैं भी अगले साल पार्टिसिपेट करूँगा. तो सबसे पहले मैंने अपने स्किल्स पे काम किया, एक टीम बनाया जिसमें कुछ सीनियर्स थे, कुछ जूनियर्स थे, कुछ मेरे बैचमेट थे. तो वो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था कि हमें जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिला था, हम लोगों ने उस पर वर्क किया. तो ड्यूरिंग दैट वर्क हम लोगों ने बहुत सारे स्किल्स सीखे, हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे. हमारे साथ ऐसा भी हुआ था कि प्रोजेक्ट लास्ट मोमेंट पर जाके गड़बड़ हो जा रहा था, फिर हम लोगों ने उस पर वर्क डाउन किया. तब हम लोगों ने मतलब एक प्रेशर हैंडल करने का एक्सपीरियंस गैदर किया. और ड्यूरिंग जब हम लोग का इवोल्यूशन हो रहा था, तब भी हम लोगों को हमारे मेंटर जो वहाँ जज थे, उन्होंने कहा कि ये इम्प्रूवमेंट करके आप दिखाओ. तो एक कम समय में हम लोग को इम्प्रूवमेंट करना था. वहाँ हम लोगों ने सीखा कि टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है. तो इस हैकेथन ने मुझे स्किल्स मेरा बहुत इम्प्रूव किया, साथ ही साथ वो सर्टिफिकेट की इतनी वैल्यू है कि मैंने एक बहुत जगह अप्लाई किया तो मुझे बहुत सारे ऑफर्स भी मिले. सो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हैकेथन किसी भी स्टूडेंट के लिए, इंजीनियरिंग एस्पिरेंट के लिए. बहुत सही का. अच्छा, मुझे अनुराग इस चीज़ पे स्पेशली डिस्कशन करना है आपसे, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि जो टीयर वन सिटीज़ में हैं या जहाँ जिन कॉलेजेस में बहुत एक्सपोजर है, सिर्फ उन्हीं कॉलेजेस के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं तो उनका ही अपॉर्चुनिटी या उनका ही जो चांसेस होता है जीतने का, उनका उनके या ऐसी भ्रांति है लोगों के दिमाग में. तो मैं चाहूँगा, क्योंकि आप मुजफ्फरपुर जहाँ से आपने बोला, वहाँ पे भी मैंने आपने जैसे बताया इतना एक्सपोजर था तब हैकेथन का, तो आप क्या बोलना चाहेंगे हमारे फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेंट्स के लिए जो टीयर टू टीयर थ्री सिटीज से हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर. इसमें हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे कॉलेज जिस साल मैंने पार्टिसिपेट किया 2022 में और 2020 में हमारे कॉलेज से 6 टीम सिलेक्टेड हुए थे. तो ये तो कहीं है ही नहीं कि अगर कॉलेज टायर थ्री टायर टू है तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा. ये आपका अगर आपने काम किया अच्छा, अगर आपने प्रेजेंट अच्छा किया तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा. तो ये कॉलेजेस पे डिपेंड नहीं करता, आपके वर्क पे डिपेंड करता है कि आपने कितना अच्छा वर्क किया है. जैसे बिहार के बहुत सारे कॉलेज हैं, जैसे दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, जो गवर्नमेंट कॉलेज है, जो टायर थ्री में भी आते हैं, इनका कुछ रैंकिंग भी नहीं है, वहाँ से बहुत सारे टीम सिलेक्टेड हुए हैं. मेरे प्रीवियस जूनियर्स और मेरे सीनियर्स, उन सबका टीम सिलेक्ट हुआ जो फाइनल में जाके जीते भी हैं. हम लोग कॉलेज से हार्डवेयर एडिशन में भी हमारे जूनियर ने जीता था 2022 में. सो आई डोंट थिंक कि कॉलेज का कोई इफेक्ट पड़ता है इसमें, आपके वर्क पर ही सब कुछ इफेक्ट है. बहुत सही कहा आपने कि एट द एंड ऑफ द डे आपका काम मैटर करता है, कॉलेज मैटर नहीं करता. यहीं पे मैं दूसरे सवाल पे आना चाहूंगा. जैसे आपने बताया कि आपका टीम कंपोजिशन जो था वो आपके सीनियर्स भी थे, कुछ कुछ आपके जूनियर्स थे और कुछ आपके बैचमेट्स थे. तो एज अ टीम लीडर आप क्या सजेशन देना चाहेंगे जो अब इस एडिशन में टीम्स आने वाली हैं, क्योंकि कुछ ऑफकोर्स चैलेंजेस आपको आए होंगे, क्योंकि एक जगह आपके साइड में सीनियर्स हैं और एक जगह आपके जूनियर्स हैं और एक टाइप में आपके बैचमेट्स हैं. तो कैसा रहा आपका उसका एक्सपीरियंस और आपने कैसे डील किया, अगर आप थोड़ा सा बताएं सर? तो एज ए टीम लीडर सर, सारे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आप ही होते हैं, मतलब सारे जूरी मेंबर सब आप ही से पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट का डिस्क्रिप्शन लेंगे. तो मेरे को पूरा मैनेज करना था सीनियर जूनियर को. तो ड्यूरिंग सीनियर क्या होता है सर, सीनियर को रिस्पेक्ट देना होता है और उनका अपना ईगो भी होता है.
तो आप उनको ज्यादा फोर्सफुली नहीं कर सकते कि आप ये काम करो। उनको मैंने कहा कि सर आप इतना टाइम है मुझे करके दे दो, और सर उनको मैंने बताया कि अगर आप नहीं करोगे सर तो मुझे ये प्रॉब्लम्स आगे आ सकते हैं। तो उन्होंने इस चीज को सिंसियरली लिया और अपना काम वो ने वर्क टाइम पे किया। तो एक टीम अच्छा होना बहुत जरूरी होता है सर किसी भी प्रॉब्लम को डील करने के लिए हैकेथॉन में। तो अनुराग, मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके टीम में मेंटर्स भी थे क्या? यस सर, मेरी टीम में 2 मेंटर थे, हमारे प्रोफेसर थे, और उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा गाइड किया अच्छे से, क्योंकि उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। जैसे मैं ऐप हम लोग बना रहे थे उसमें एक प्रॉब्लम आ गया था, तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से उसे सॉर्ट आउट किया और बहुत सारे नए नए सजेशंस भी दिए। तो मेंटर्स का होना से बहुत अच्छा होता है इसमें हैकेथॉन में। आपने बताया एक बार ऑनलाइन एक्सपीरियंस रहा और एक बार आपका ऑफलाइन एक्सपीरियंस रहा, तो दोनों में आपने मेजर डिफरेंस कैसे क्या नोटिस किया आपने? क्योंकि एक डेफिनेटली एक कोरोना टाइम में था, ऑनलाइन हुआ था, और दूसरा वाला ऑफलाइन हुआ था, तो आपको मेजर डिफरेंस किस चीज़ में लगा? ओके, तो सर ड्यूरिंग ऑनलाइन क्या था, हमें 3 दिन का समय मिल रहा था, तो हमें क्या था कि किसी अगर जज ज्यूरी ने कुछ इनपुट दिया है तो हमें एक अच्छा टाइम मिल रहा था कि इस टाइम में हमको वो सॉल्व करना। बट ड्यूरिंग ऑफलाइन क्या होता है सर, आपको मॉर्निंग में, इवनिंग में, नाइट में इवोल्यूशन होता है, सो आपको टाइम ड्यूरेशन कम मिलता है, लेकिन साथ ही साथ आपको ये फायदा होता है कि आप इसमें अब जब आपका प्रेशर आएगा तो आपका आउटपुट उसमें ज्यादा आता है। तो जो ऑफलाइन सोल्यूशन होता है सर वो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो आपको पूरा विजुलाइज करके एक एक चीज देख के, और आप जो आपके कंपटीटर हैं उसके अकॉर्डिंग आपका अच्छा है कि नहीं। ऑफलाइन में था सर वो ज्यादा प्रेशर था और ज्यादा इसमें अच्छा आउटपुट आया था, और हमें जो रिजल्ट आया था उससे हम लोग ज्यादा सेटिस्फाइड हुए थे ऑफलाइन में। बिल्कुल, मेरे ख्याल से जब आपका कंपटीशन आपके पास रहता है तो कहीं ना कहीं आपकी प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी और बढ़ी जाती है। अच्छा, ये मुझे बताइए, जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आए थे, क्योंकि आप लोग कॉलेज में थे और जो एवेल्युएटर्स थे वो लोग इंडस्ट्री एक्सपर्ट बहुत एक्सपीरियंस के साथ इंडस्ट्री में बहुत टाइम से हैं, तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, और जो अभी फर्स्ट टाइम आएंगे उनको क्या बेनिफिट मिलता है मेंटरिंग राउंड का, वो भी थोड़ा सा समझाइए। यस सर, सो सर इंडस्ट्री के जो मेंटर्स आते हैं उनका बहुत ज़्यादा इनपुट होता है, क्योंकि वो उनको क्या होता है, जैसे आपने कुछ बना के गया वहाँ पे, तो आप क्या होंगे कि आप ये प्रेजेंटेशन दिखाएंगे कि मैंने ये किया है, बट उनको क्या चाहिए होगा कि जो उनको नीड है वो उसमें क्या करेंगे, आपको वैल्यूबल इनपुट्स देंगे कि आप मुझे ये एक्स्ट्रा करके दिखाओ। तो अगर आपने उसमें से कुछ पॉइंट्स करके दिखाया तो आपको जो पॉइंट्स मिलेंगे, मतलब आपके जो रिजल्ट्स होंगे उसके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे जीतने के। सो हम लोगों ने वही किया था, उनके जो पॉइंट्स थे उनको ध्यान से सुना, उनपे काम किया और उनको रिजल्ट्स लाके दिया, तो हम लोगों ने इससे अपने में इम्प्रूव किया, तो हम इसी तरह से विन किए थे इसमें। चलिए, बढ़िया। तो फाइनली मैं इसको ख़त्म करने के पहले अगर मैं आपसे डायरेक्टली पूछूं कि 3 या 4 ऐसी कोई चीज़ें बताएं जो जो अपकमिंग टीम्स हैं उनको ध्यान रखना चाहिए, जो कि उनको हेल्प करेंगी टुवर्ड्स विनिंग, तो वो क्या रहेगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, हमारा ये प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होना चाहिए, जो अभी आप सबमिट करेंगे और जो स्टूडेंट्स अभी सबमिट करेंगे कॉलेज के थ्रू, वो प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा होना चाहिए, उसमें ज़्यादा फ्लो चार्ट का यूज करें, कम से कम लिखें। पहला, ड्यूरिंग द सिलेक्शन अगर आपका सिलेक्शन हो गया आप टॉप 5 टीम में, तो उससे पहले आप अपना पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट तैयार करके रखें यहाँ पे। क्यों? क्योंकि वहाँ आप जाइएगा, वहाँ जाके तैयार नहीं हो सकता, वहाँ आपको क्या होगा, इम्प्रूवमेंट्स करने को मिलेगा। जो आपको इम्प्रूवमेंट्स मिल रहे हैं उनको आप जल्दी से जल्दी कम टाइम में करिए, और जरूरी अगर मान लीजिए 5 इनपुट्स मिले कि ज्यूरी मेंबर ने कहा है कि आप 5 मेरे को ये करके दिखाओ, तो आपको जरूरी नहीं है 5ों करना, आपको करना अगर 3 कर रहे हैं तो 3 को इतना अच्छे से करके दिखाइए कि दूसरे कंपटीशन ही वहां से खत्म हो जाए। और आपका एक वहां प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छा होना चाहिए, टीम लीडर का काम क्या है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ठीक से समझा सकें, वो मेंटर को अच्छे समझ में आए कि आपने क्या क्या किया है। सो यही एक हैकाथॉन का बहुत अच्छा चीज है कि आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा और अपना स्किल्स दिखाने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा उसमें। जी बिल्कुल। चलिए अनुराग, थैंक यू सो मच, आपने अपना वक्त निकाला और अपकमिंग टीम्स को इतना मोटिवेट और गाइड किया, एंड थैंक यू, हम लोग विश करते हैं आपको आगे के लिए भी, आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है, थैंक थैंक यू यू सर, सो मच। थैंक यू सो मच। सो पीपल, दैट वाज अनुराग फॉर यू। सो बेसिकली व्हाट अंडरस्टैंडिंग डू वी गेट फ्रॉम दिस टॉक सेशन वाज, इट डजंट मैटर विच सिटी यू आर कमिंग फ्रॉम, इट डजेंट मैटर विच कॉलेज यू आर कमिंग फ्रॉम, द बेसिक थिंग इज इफ यू हैव द टैलेंट, इफ यू गॉट द आइडिया, यू कैन मेक इट थ्रू
एनीथिंग एंड फाइनल्स हैज बीन वन ऑफ दोज. सो फॉर सच मोर इंटरेस्टिंग एंड लर्निंग वीडियोज स्टे ट्यून्ड विद अस एंड विल बी बैक सून विथ मोर एनरिचिंग एंड इंसाइटफुल वीडियोज फॉर यू. टिल देन हैव अ गुड डे. सी यू.